हेलो स्टूडेंट, इससे पहले मैं एम कॉम फर्स्ट ईयर एंड एम कॉम सेकेंड ईयर के इंग्लिश मीडियम इग्नू असाइनमेंट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैम हमारा हिंदी मीडियम सब्जेक्ट है और प्लीज़ आप हिंदी मीडियम में असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दीजिए। देखिए बेटा, इस वीडियो में मैंने अपने जो इंग्लिश मीडियम पीडीएफ थी उसको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट की है और उनको आंसर देने की कोशिश की है। हो सकता है कि कन्वर्जन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो, तो प्लीज़ आप उसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए, जैसे आपके ये क्वेश्चंस हैं शुरू में और उसके बाद मैंने आंसर रिपीट किए हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल भी रहे। तो उत्तर यहाँ से शुरू हो गए हैं आपके। मैंने कोशिश की है कि आप सभी उत्तर जो हिंदी मीडियम है वो आपकी लैंग्वेज उन समझ में आ सके आपको। इसके अलावा बेटा, कुछ मैंने वो जो फोटोज़ हैं उनको डायरेक्ट डाला हुआ है तो वो कन्वर्ट नहीं हुई है हिंदी में। आप चाहें तो इसको हिंदी में गूगल पर ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि इनका हिंदी में क्या मीनिंग होगा। तो ये हमारा IBO 1 था। अब हम IBO 2 के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इस वीडियो में बेटा मैंने IBO 1, IBO 2, IBO 3, IBO 5 और IBO 6 के असाइनमेंट्स को हिंदी में कन्वर्ट किया है। IBO 4 के असाइनमेंट को मैं कोशिश कर रही हूँ कन्वर्ट जल्दी हो जाएगा और मैं आपके साथ उसको शेयर कर लूँगी। ये आपके क्वेश्चंस हैं और यहाँ से आपके उत्तर स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी, जहाँ पर भी मैंने फ़ोटोज़ अपलोड किए हैं बेटा उसका हिंदी में कन्वर्जन नहीं हो पाया है, तो या तो आप उसको गूगल ट्रांसलेट पे सर्च कर लीजिएगा या डायरेक्ट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा में डाला हुआ है।
जहाँ भी ये वर्ड जो ये पिक्चर्स हैं बेटा, ये हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुई है, तो प्लीज़ इसको हिंदी में पहले ट्रांसलेट कर लीजिएगा। जैसे मिशनरी सेलिंग को, सेलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है? कहीं कहीं आपको खुद को भी थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो अब हमारा IBO 2 असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अब IBO 3 असाइनमेंट देख लेते हैं। इसके मैंने साथ साथ ही उत्तर दे दिए हैं। हो सकता है कहीं कहीं जो कन्वर्जन है हिंदी का वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो आप देख लीजिएगा वो वर्ड। हो सकता है क्वेश्चंस जो आपके असाइनमेंट में हो वो, और जो यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है हिंदी में, वो थोड़ा बहुत फ़र्क हो, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पर लेकिन अर्थ दोनों के सेम ही रहेंगे, जो मीनिंग हम निकालेंगे इनमें वो दोनों के ही सेम रहेंगे। इस तरह से हमारा IBO 3 असाइनमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब IBO 4 असाइनमेंट की बात करते हैं। बच्चा IBO 4 असाइनमेंट जो है वो आपका कन्वर्ट नहीं हो पाया मुझसे हिंदी में, इसलिए मैंने डायरेक्ट IBO 5 असाइनमेंट को कन्वर्ट कर दिया है। कोशिश करूँगी कि वो असाइनमेंट भी जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से उत्तर स्टार्ट होते हैं हमारे। देखिए अब ये कुछ ऐसे हैं जो मैंने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड की हुई है, पिक्चर्स ली हुई है, तो इनको आप ज़रूर हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आप डायरेक्ट इसको लिख के रखेंगे ना गूगल ट्रांसलेट पे, तो वो डायरेक्ट मीनिंग इसका बता देगा। थोड़े से एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ उत्तर ऐसे लगते हैं जो आपको लगता है कि नहीं, इसके उत्तर ज़्यादा होने चाहिए थे, मैम ने थोड़ा कम एक्सप्लेन किया हुआ है, आंसर थोड़े कम दिए हुए हैं, तो आप गूगल पे जाके हिंदी में सर्च करके उन आंसर को थोड़े एडिट कर सकते हैं और अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन भी कर पाएंगे आप।
पर शर्त यह है कि आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स खुद डालने पड़ेंगे कि इसका आंसर और क्या हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और इसके साथ साथ आपको भी अगर लगता है थोड़े आंसर कम है तो आप उसको बढ़ाने के लिए गूगल की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि मैंने आपके गूगल की हेल्प लिया, आपकी बुक से आंसर निकाले, इस तरह से इसमें बहुत सारे आंसर ऐसे हैं जो बहुत सारा मिक्सचर है, तो आपको उनको देखना पड़ेगा कि आपको अगर छोटे लगे तो आप गूगल पे जाके उसको और बड़े आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा IBO 5 असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अब IBO 6 की बात कर लेते हैं। अब IBO 6 असाइनमेंट देख लेते हैं हम। तो इस तरह से हमारे IBO 6 असाइनमेंट भी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इसके थ्रू अपने असाइनमेंट बना सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय एफर्ट्स।